हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमैन सुरेश चैनल। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं जेसीबी 3DX इको एक्सेलेंस 2019। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस गाड़ी का प्राइस, इस गाड़ी का माइलेज और इस गाड़ी के कुछ हाइलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि आप इसी तरह का वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। और दोस्तों, यदि आप लोगों को जेसीबी पसंद है तो फिर इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो फिर चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें ग्राफिक्स या डिज़ाइन की, तो फिर पहले हमें जेसीबी का स्टाइलिश स्टिकरिंग लोगो हमें इस गाड़ी के सामने देखने को मिलता है। उसके साथ इको एक्सेलेंस का भी लोगो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। और ये है इस गाड़ी का 3DX मॉडल। इसका आपको और दो मॉडल भी देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी का रियर टायर से। इसमें लगा गया है 28 इंच का टायर जिसका पावर रेटिंग है 12। और सामने का टायर की बात करें, सामने आपको 16 इंच का टायर देखने को मिलता है 16 पावर रेटिंग के साथ, जो कि मदद करता है इस गाड़ी को लिफ्ट और चलाने में। बात करते हैं इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस से। इस गाड़ी का एक्सोरूम प्राइस शुरू होता है 25,68,750 रुपये से। और इस गाड़ी का शिपिंग वेट है 7,500 केजी, या फिर समझ सकते हैं 7.5 टन। इस मॉडल में लगभग 4.77 मीटर या फिर समझाए तो 15 फीट 8 इंच तक खड्डा खुदाई हो सकता है। इसमें लगा गया है जेसीबी 448 नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर वाला वाटर कूल डीजल इंजन जिसका डिस्प्लेसमेंट है 4.8 लीटर। इसमें मैक्सिमम पावर आपको देखने को मिलता है 76 MHP का और इसका इंजन टॉर्क है 305 Nm का। इसका माइलेज है 4 किलोमीटर पर लीटर, मगर इसका माइलेज कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये डिपेंड करता है काम और इसका टाइमिंग के हिसाब से। और आप लोगों का इस जेसीबी को लेकर क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये आप लोगों को कैसा लगता है मुझे बताना मत भूलिए। पहले बात करते हैं इसका फ्रंट लुक से। सामने हमें दो साइड में देखने को मिलता है इसका हेडलैम्प। चलिए देखते हैं इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन। पहले हमें लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा इसका स्पीडोमीटर, जिसका आपको मैक्स स्पीड देखने को मिलता है 50 किलोमीटर तक। और इसमें आपको 4-स्पीड गियर देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग की बात करें, आपको इसमें पावर ट्रिक स्टेयरिंग देखने को मिलता है। और यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं, यह है इस गाड़ी का पावर कंट्रोल्स। और इसका गियर की बात करें तो फिर आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको यहाँ पर 4-स्पीड गियर देखने को मिलेगा। और इसका जो ड्राइवर केबिन है वो ऑप्शनल एसी के साथ भी आता है। और बात करते हैं इसका कंट्रोल्स के बारे में। यह है इस गाड़ी का लिफ्टिंग कंट्रोल्स, जो कि आपको ड्राइवर का राइट साइड में देखने को मिलेगा। उसके साथ आपको इस गाड़ी का और कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलता है इस गाड़ी का राइट साइड में। यदि मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो फिर आप देख सकते हैं, यह इस गाड़ी का टोटल ओवरऑल कंट्रोल्स के बारे में जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके साथ इस गाड़ी का ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको दो और कंट्रोल्स देखने को मिलता है, जो कि इस गाड़ी का पीछे का कंट्रोल्स को काम करता है। और यह है इस गाड़ी का ड्राइवर सीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका जो ड्राइवर केबिन है वो ओवरऑल एसी के साथ भी आता है, मगर ये ऑप्शनल है। ये था इस गाड़ी का एक छोटा सा जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग को पसंद होगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए।